स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। चुनाव रंजिश को लेकर वर्तमान प्रधान कर रहे हैं बवाल। चुनाव आयोग द्वारा जुलूस व गोला दागने पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी गांव में जीते हुए प्रधान जुलूस निकाल कर गोला दागते हुए कर रहे बवाल। थाना क्षेत्र मल्लीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत राजा पुरानी के निवासी अरमान खान ने थाने मल्लीपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए मैंने भी चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए, तो जीते हुए प्रत्याशी गाँव के मोहम्मद उवैद खान तथा सफीकुलद्दीन हमीदुल्ला अब्दुल रहमान व अन्य काफी संख्या समर्थकों के साथ मेरे दरवाजे पर आकर जुलूस साथ गोला दाग और माना करने पर उपरोक्त लोग बीच बचते फौजदारी पर तैयार हो गए। कहा कि मैंने करूँगा तो जान से मार दूंगा, जिसकी जानकारी अरमान खान ने थाना मल्लीपुर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की तथा बताया गया कि पड़ोसी देश नेपाल के नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में डालकर मतदान किया और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर लगभग काफ़ी संख्या में लोगों ने फर्जी मतदान किया और कुछ लोगों के नाम दोबारा या तीन बार लिस्ट में उन्होंने दो तीन बार भी मतदान किया है। इसी बात को लेकर बवाल हो रहा है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी, चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री आदि उच्च अधिकारियों को दी गई है और कार्रवाई की मांग की है। जनपद श्रावस्ती से भुजो अहमद की रिपोर्ट। पिताजी का नाम मोहम्मद वसीम, किस गाँव में रहते हैं? ग्राम राजापुर पुरैना। क्या मामला है? मामला ये है कि पूर्व प्रधान जो है वही जीता हुआ है और वो दो दिन से बार बार गोला दागने की हरकतें कर रहा है और दोनों दिन 100 नंबर को बुलाया गया। 100 नंबर के कहने के बावजूद भी वो अपने दरवाजे पर नहीं दाग रहा, हमारे दरवाजे पर दागने की कोशिश कर रहा है। ये विवाद बढ़ते जा रहा है और करते जा रहा है, इसकी कार्रवाई। तो आपके दरवाजे के सामने ला कर के गोला दागते? हाँ, गोला दाग, और जो हमारे साथ में थे उन लोगों के दरवाजे पर दागने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो जीते हुए प्रधान हैं वो आपके दरवाजे पर गोला दाग रहे हैं? हाँ, और गोला का वीडियो जो है पुलिस को भी दिया जा चुका है। आप कंप्लेंट भी किए थे उसमें? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आश्वासन दिया था कि इसकी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या किया मुझे पता नहीं। कौन कौन दाग रहे गोला? दाग रहे थे श्री सफीकुद्दीन खां और अब्दुल रहमान महफूज और जो है हमीदुल्ला, ये 4-5-6 लोग थे जो जानुस्कार में थे और कम से कम 100-150 लोगों के साथ में थे। काफी संख्या में थे। तो वहाँ रात का समय हो गया था, तकरीबन 7-7:30 का टाइम, तो उसमें सब लोग का चेहरा सामने पहचाना नहीं जा सकता था। और मैयत भी कल थी गांव में, इसलिए जो है लोग रंजो गम में थे, तो सारे हमारी पार्टी के लोग कोई ज्यादा इकट्ठा भी नहीं हो पाए थे। नहीं बवाल हो जाता।